दंगा भड़काने के आरोप में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जुन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। 17 मार्च को हिंदू नववर्ष पर निकली झांकी के दौरान हुआ था सांप्रदायिक तनाव। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भी खुलेआम फेसबुक लाइव करते दिखे अर्जुन चौबे। फेसबुक लाइव में जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए। बिहार में नीतीश राज में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। बीती रात भोजपुर जिले में आरा सासाराम हाईवे पर दो पत्रकारों की गाड़ी से कुचलकर मार दिया गया। हत्या से गुस्साए लोगों ने स्कॉर्पियो को फूंक दिया और शव के साथ रोड जाम कर दिया। पत्रकारों की हत्या पर आरोप भोजपुर के ही एक पूर्व मुखिया के परिवार पर लगा है। मारे गए नवीन दैनिक भास्कर अखबार में काम करते थे, जबकि विजय सिंह मैगजीन के लिए काम करते थे। पत्रकारों की हत्या के बाद से इलाके में तनाव है। झारखंड की राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज करा रहे बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव अस्पताल से मिलने वाले दूध को नहीं लगा रहे हाथ। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव का इलाज रांची के रिम्स अस्पताल में चल रहा है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने पर राष्ट्रीय लोकदल से बर्खास्त विधायक सहेंद्र सिंह ने पार्टी के अध्यक्ष अजीत सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो एक तरफ मुझ पर भाजपा से गठबंधन करवाने का दबाव बना रहे थे तो दूसरी तरफ मायावती से गठबंधन करने के लिए उनसे लगातार संपर्क में थे। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने राम मंदिर को लेकर फिर विवादित बयान दिया है। उन्नाव में एक कार्यक्रम के दौरान साक्षी ने कहा कि अब राज्यसभा में भी हमारा बहुमत हो गया है, कोई वजह नहीं है कि अयोध्या में राम मंदिर अब ना बने, अब कोई रुकावट आए। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले राम मंदिर बन लेना चाहिए। बीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि सब अपने मन की बात करते हैं, राम के मन की बात कोई नहीं करता। अगर न्यायालय के निर्णय से ही मंदिर का निर्माण लेना था तो 1984 से 2014 तक आंदोलन क्यों किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बीजापुर में सीआरपीएफ की 199 बटालियन ने नक्सलियों के बड़े हमले को नाकाम करते हुए 5 किलो का टिफिन बम बरामद कर उसे डिफ्यूज कर दिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से 60 किलोमीटर दूर रामपुरम में पिछले 3 साल से हो रहा अवैध खनन गांव वालों के लिए मुसीबत बन गया है। खनन के दौरान होने वाले ब्लास्ट से गांव वालों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि रामपुर में बिना इजाजत धड़ल्ले से चल रहा है अवैध खनन। एमपी के मंदसौर में 4 बेटियों के बाद 5वीं भी बेटी होने पर लोगों की सलाह से बेटे की चाह में उसका नाम अनचाही रख दिया। इलाके में माना जाता है कि इस तरह के नाम रखने पर अगली बार बेटा होता है। राजस्थान के बूंदी में मंदिर में कुछ अज्ञात लोगों के इस्लामिक झंडा फहरा देने से 2 गुटों के बीच जमकर नारेबाजी और मारपीट हुई। भीड़ अधिक होने से पुलिस भी उन्हें रोक नहीं पाई। पुलिस ने झंडा हटाकर मामला शांत करने की कोशिश की। आज से शुरू होगा पुदुचेरी का विधानसभा सत्र। उपराज्यपाल किरण बेदी के अभिभाषण के साथ 30 सदस्यीय पुदुचेरी विधानसभा का सत्र शुरू होगा। तेलंगाना के निजामाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा, यात्रियों से भरी गाड़ी पलटने से गाड़ी में सवार 10 लोगों की मौत, हादसे में 7 लोग घायल भी हो गए। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए अच्छी खबर, विपक्षी पार्टी जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस के 7 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल। आपको बता दें कि 225 सीटों वाली विधानसभा में जेडीएस के 37 विधायक थे, जिनमें 7 विधायकों के पार्टी छोड़ने की वजह से ये संख्या केवल 30 रह गई। तमिलनाडु के थांजापुर में कावेरी बोर्ड के प्रबंधन की मांग को लेकर टीटीवी दिनाकरन और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुरू की भूख हड़ताल। भूख हड़ताल शुरू करने से पहले दिनाकरन ने जय ललिता और एमजी रामचंद्रन को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।